सफलता कोई ऐसी मंजिल नहीं है कि पहुंच गए तो आगे क्या, ये एक जर्नी है जिसमें आपको टारगेट करने के लिए भी कदम पे कदम कई लोग रहते हैं। ये लोग आपकी सफलता की राह में रोड़े बनते हैं। ऐसा ही हुआ MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल बिल्लौरे के साथ। प्रफुल बिल्लौरे ने जैसे जैसे सफलता हासिल की वैसे वैसे ही सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने लगे। कुछ यूट्यूबर ने प्रफुल बुल्लैरो को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रफुल बुल्लैरो ने कोर्ट की राह अपनाकर न्याय की लड़ाई लड़ी और दिल्ली हाई कोर्ट ने फेक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। हर गली चौराहे और नुक्कड़ पर मिलने वाली चाय से हर कोई करोड़ रुपए कमा सकता है, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन MBA करने का सपना देखने वाले प्रफुल बिल्लौर ने इसे सच साबित कर दिया। प्रफुल को पूरे देश भर में MBA यानी कि मिस्टर बिल्लौर अहमदाबाद चाय वाला के नाम से जाना जाता है। इनकी कहानी काफी दिलचस्प है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोग इन्हें काफी फॉलो भी करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रफुल बिल्लौर को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। YouTube पर MBA चायवाला के ब्रांड के खिलाफ कुछ चैनल लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि ये ब्रांड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इंदौर से कारोबार शुरू कर दुनिया भर में छाने वाले MBA चायवाला के ब्रांड को आखिर दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल ही गई है। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद MBA चायवाला के फाउंडर प्रफुल बिल्लौर ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया और अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि सभी यूट्यूबर तुरंत ये वीडियो हटाएं और आगे से भी इस बात का ध्यान रखें कि बिना किसी आधार के किसी के खिलाफ इस तरह के वीडियोस पब्लिश न करें। प्रफुल बिल्लौर ने कहा कि इन सभी वीडियोस के आने के बाद मैं कई दिनों तक मानसिक रूप से परेशान रहा। आज हमारी दुनिया भर में 100 से अधिक फ्रेंचाइजी हैं और हम 3 साल में 12 करोड़ से अधिक का टर्नओवर कर चुके हैं। इन बातों की वजह से मुझे बिजनेस में भी कई जगह नुकसान उठाना पड़ा। बिना किसी आधार के कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए और ये वायरल होने लगे। हमने सीधे भी कई यूट्यूबर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो वायरल होने के चलते उन्होंने वीडियो नहीं हटाए। अंत में हमें हाईकोर्ट की मदद लेनी पड़ी। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उसके आसपास उतने ही नुकसान उसके दिखाई देते हैं। ये इंफॉर्मेशन ईरा है या मिस इन्फॉर्मेशन ईरा, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल है, पर मिस इन्फॉर्मेशन की भी दुनिया इस इंटरनेट की वजह से बढ़ती जा रही है। तो सोशल मीडिया पे आप कई वीडियोस देखते हैं, कई न्यूज़ देखते हैं, तो फेक न्यूज़ का भी जमाना आ गया, प्रोपागंडास का जमाना आ गया और कई तरह नेगेटिव PR को हटाने के लिए बड़े पैसों की भी बात होती है। तो ये सब कुछ मुझे कुछ पिछले महीनों और सालों में अनुभव हुआ है। तो आप कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिसेंटली MBA चाला के खिलाफ भी कई सारे मिस इन्फॉर्मेशन फेक प्रोपागंडा के भरे वीडियोस बने, जिसके लिए हम लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो सारे वीडियोस को रिमूव किया गया कि सारी इन्फॉर्मेशन फेक थी, प्रोपागंडा था और एक तरीके से बिना जानकारी के चीज़ों को फैलाया जाता है। तो आप भी इससे बचें और कहीं ना कहीं अगर आपके व्यवसाय व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में कहीं हानि पहुँच रही है तो आप भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपका जीवन सुखद हो और आपका जो उद्देश्य है काम करने का वो आगे बढ़ता रहे। तो काम करते रहिए, प्लस इन एजेंडा और प्रोपेगेंडा से भी बचते रहिए। दरअसल YouTube पर बिना किसी आधार के वीडियोस बनाकर किसी को बदनाम करना बहुत आसान है। कोर्ट का ये आदेश भविष्य में कई लोगों की मदद करेगा। प्रफुल बिल्लौर ने कहा कि समाचार पत्र या न्यूज चैनल किसी भी बात पर दोनों पक्षों से बात करने के बाद खबर छापते हैं, लेकिन YouTube पर दूसरे पक्ष से बात किए बगैर ही कई लोग वीडियोस बनाकर अपलोड कर देते हैं। वे ये नहीं समझते कि इससे सामने वाला व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।